ट्रिगर का देखिए टाइमिंग ऐसे मिलता है, दोनों दोनों साइड जो लकीर है तो इधर ऐसा रहेगा और बिंदी सा नीचे वो को बिंदी रहेगा। सा नीचे है और मैग्नेट में यहाँ पे टी होता है तभी इसका टॉप मिलता है गाइस। तो गोटी गोटी से इसको हम हिला के देख लेते हैं गाइस। और ये देखिए ऊपर का कवर है, ये कवर ऊपर फिट होता है गाइस। तो हम पहले पेचकस डाल के देखेंगे पिस्टन ऊपर टॉप पर है कि नहीं, नहीं तो टाइमिंग आउट हो जाएगा, तो बाल उल टेढ़ा हो जाएगा गाइस। तो इंजन का सबसे मेन होता है टाइमिंग, और ये पिस्टन भी मिलाना होता है तभी जाके गाड़ी का आवाज़ भी बढ़िया होता है और गाड़ी भी बढ़िया चलता है गाइस। तो ये बोल्ट भी दोनों टाइट कर लेते हैं। पहले देखते रहिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर दीजिए गाइस। तो बने रहिए लास्ट तक। ये पेशकस से हम टाइमिंग चेन को पहले ढीला कर रखा था, अभी टाइट कर दिया है देख सकते हो। और हम इसको थोड़ा हिला के देख लेते हैं गाइस। और अभी टाइपिट वाला कसेंगे, दोनों चिड़िया काफ़ी लूज है तो इसको हम हल्का हल्का टाइट कर लेंगे, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है नहीं तो बाल उल टेढ़ा हो जाएगा गाइस। इसका हल्का हल्का कस लेंगे बाल डाई से गाइस। इसका देखिए डाई से हम टाइट कर रहे हैं गाइस। थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, अंदर गए को है तो दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। तो आप जब भी टाइट करोगे थोड़ा हल्का लूज रखना इसको, तभी आवाज़ भी बढ़िया रहेगा और गाड़ी का रेस भी रुका रहेगा, गाड़ी बंद नहीं होगा। बस इधर वाला थोड़ा सा लूज रखना है, वो वाला थोड़ा टाइट रखना है गाइस। देखिए डावल क्या हालत हो गया, ये ख़राब हो गया था डावल, तो इसमें हम नया लगा देंगे, वो ख़राब हो गया है उसके लिए दिक्कत हो जाता है। हम इसको लगा के ऊपर एक रिंग लगेगा पतला सा, वो रिंग भी दिखा देंगे आपको कैसा रबड़ होता है। ये देखिए पतला सा लगता है एकदम रबड़, रबड़ भी इसमें हमने फिट कर दिया है। अब ये देखिए ये रबड़ बहुत ज़रूरी लगाना है, नहीं तो ऑयल बहुत लीकेज होता है हेड से। हेड वाला रबड़ है, ज़्यादा महंगा नहीं है गाइस। ये जब भी इंजन खोलो तो इसको चेंज करवा देना चाहिए, तो लीकेज का बीमारी ख़त्म हो जाएगा गाड़ी से। इसमें नया डालोगे तो इसमें स्लेक लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है, हल्का हल्का आराम से दबा लेना है, इस हेड से बढ़िया से फिटिंग कर दोगे तो इसमें कोई स्लेक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वैसे नया रबड़ लगाओ तो इसमें लगाना नहीं चाहिए स्लेक, उसमें बहुत दिक्कत हो जाता है। देखो कितना बढ़िया फिटिंग आ गया है इसमें। अब हम बाइक में फिट करते हैं। देखिए ऊपर का हेड लग गया, बस कुछ ही मिनट में फिटिंग होने वाला है, फिर बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं कितना कैसा आवाज़ होता है बाइक का, एकदम मक्खन जैसा आवाज़ होगा गाइस। आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे हम फिटिंग करते हैं, बाद में आप लोग भी ऐसे खोल के फिटिंग कर देना अपना बाइक। बाद में फिटिंग नहीं होगा तो हमसे संपर्क करना, हम जाके फिट करके देंगे गाइस, ठीक है। हल्का हल्का ये देखिए ये ऊपर का नटका है, ये वाशल,